अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये सितार की जो जवारी होती है, ये कैसे इसको फेस किया जाता है, क्योंकि जब एक जगह चल चल के वो उसमें गड़े आ जाते हैं, लाइनें आ जाती हैं, तो ब्रिज के अंदर जो है ना वो लाइनें आ जाती हैं और वो बैलेंस इनका आउट हो जाता है जो होना चाहिए था, तो इसकी वजह से साउंड में फ़र्क आता है। तो अभी उस्ताद जी जो है ये ब्रिज को फेस कर रहे हैं बिल्कुल बराबर, और इसके बाद इसका जो है ना दोबारा से इसकी फिटिंग होगी और फिर ये वापस वही साउंड में आएगा। तो ये हमारे माशाल्लाह ज़बरदस्त मेहताब साहब, ये इनका सितार आज आया है रिपेयरिंग के लिए। जवारी की जो है दोबारा सितार की ट्यून होगी, जिस पोजीशन में होती है ये बेसिकली, ये देखें ये अभी इस बात से चेक कर रहे हैं, तो ये साउंड इसका नीचे से भी घिसा जाता है। मेहताब भाई हमारे माशाल्लाह काफ़ी दिनों के बाद तशरीफ लाए हैं आज अपने सितार को लेके, और सबको इनका आदाब देखने वालों को। और ये हमारे बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर जो नायाब लोग हैं उनमें इनका शुमार होता है। सितार की ये खिदमत कर रहे हैं और ये फ़न की खिदमत कर रहे हैं, मतलब पाकिस्तान के अंदर बजाने वाले बहुत कम रह गए हैं, और इनको मतलब बजाने वाले भी, और जैसे ये हमारे उस्ताद जी हैं इनको बनाने वाले भी बहुत कम रह गए हैं। ये उस्ताद जी का नाम चंद उन लोगों में से आता है जो कि सितार को दोबारा ज़िंदगी देते हैं। देखें एक एक जो इसकी स्ट्रिंग है इसको दोबारा अपनी अपनी जगहों पे बिठाया जा रहा है। हाँ क्या बात है, चेक कर रहा था, अच्छा हाथ कर रहा था उसका। ले मेहताब भाई जरा मेहताब भाई भी अपना सितार जो है वो ट्यून कर रहे हैं। उस्ताद जी ने भी इनकी जो है वो जवारी वगैरह सेट की है, अभी दोबारा सुरों को जो है ना सुर के हिसाब से इसको सेट कर रहे हैं। पंचम भी डाली तुमने।